वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हमने पढ़े थे कौन से किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोवर। इसी के साथ हमने किंगडम प्रोटिस्टा को एंड कर दिया था। तो हम एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। तो किंगडम किसके द्वारा बनाया गया था? अर्नेस्ट हकल के 1866 में। ये क्या है? ये यूनिसेलुलर है, इयोकैरियोटिक है। ज्यादातर कहां पे रहते हैं? पानी में। सिंगल सेल्ड बने हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इयोकैरियोटिक कहा गया। ये कनेक्टिक लिंक फॉलो करते हैं किंगडम मोनेरा से भी। क्यों? मोनेरा के ऑर्गेनिज्म क्या थे? सिंगल सेलुलर, और ये भी सिंगल सेलुलर है, जबकि इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, और जो क्या है हायर किंगडम्स के अंदर भी है, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? मिक्सोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक भी थे और हिटेरोट्रॉपिक भी। उगलीना क्या करता है? दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करता है। इनके जनरल करेक्टर्स क्या थे? ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है। ज्यादातर कहां पे होते हैं? पानी के अंदर होते हैं। हैज अ प्लैंकटोन्स, हैज अ प्लैंकटोन्स। प्लैंकटोन्स कौन से थे? जो वाटर करंट्स के साथ क्या करते हैं? मूव करते हैं, वाटर करंट्स के साथ मूव करते हैं। और जो एक्टिव स्विमर है, जो खुद चलते हैं, जैसे फिश, ह्यूमंस, हम अपने हाथों की सहायता से चलते हैं, हम कौन सी है? नॉकटोन्स। इनमें से कुछ क्या है? पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक, और वो किसके ऊपर रहते हैं? एनिमल्स के ऊपर। सराउंडेड इनके क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। एडिशनल कवरिंग होती है पेलिसल की। जब आप मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर क्या था? पेलिसल प्रेजेंट था। क्या था? प्रोटीन, जिसके बाहर क्या थी? स्टार्च की सीट थी, जिसे हमने क्या कहा? पेलिसल। वही बात यहां कही गई है, एडिशनल कवरिंग होगी पेलिसल की या क्यूटिकल की, या सेल की, या सेलुलोज वॉल की, ठीक है जी, जो क्या करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रस्टुल्स कहते हैं सेलुलोज वॉल को, फ्रस्टुल्स, जो क्या करती है, इनकी सेल वॉल को ठीक बनाती है। सीलिया या फ्लैजिला कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर सीलिया फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो किस में होगा? 9+2 के फॉर्मेशन में होगा। जैसे कि अंदर तो क्या होंगे? दो माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होंगे, और बाहर के सरफेस पे जो परिसियम सरफेस है उस पर क्या होंगे? 9 होंगे, ठीक है जी। फ्लैजिला होगा जैसे यूग्लिना में आपको देख रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो सकता है इनका? सुडोपोडियल हो सकता है। सुडोपोडियल कौन सा करता है? अमीबा। वो क्या करता है? अपने साइटोप्लाज्म को क्या करता है? बढ़ाता रहता है, उसको स्ट्रीम करता रहता है। फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं जैसे यूग्लिना में, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला मूव करते हैं। सिलेरी हो सकते हैं जैसा पैरामीशियम में है, बाहर क्या होंगे? हेयर टाइप स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो क्या करेगा? इसका मूव में मदद करेगा। व्रिंगलिंग करते हैं, जैसे आपने कैटरपिलर देखा है, वो अपनी बॉडी को क्या करता है? चलाता है, फिर थोड़ा बैंड करता है, फिर आगे फोर्स करता है, आगे बढ़ता है, फिर बैंड करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो इसको क्या कहा हमने? रिंगलिंग मोशन। एक क्या था? म्यूसिलेज प्रोपल्सन। देन क्या था? म्यूसिलेज प्रोपल्सन, यानी थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी के सहारे से हल्का हल्का सा घिसरते रहते हैं, जैसे कौन घिसरता है? जोक, ठीक है जी। देन किंगडम प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन क्या थी? फोटोसिंथेटिक थे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये क्या करते हैं? डेड या डीके ऑर्गेनिजम्स पर क्या करते हैं? उनको फीड करते थे, जिनको हमने कंज्यूमर या डिकम्पोजर कहा। कुछ क्या थे? प्रोटोजोन प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक कौन से थे? कौन कौन से? डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स, इग्नुलॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना, ठीक है जी। कंज्यूमर कौन से? स्लाइम मोल्ड्स। प्रोटोजोन्स कौन से थे? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, अमीबाबॉइड प्रोटोजोन, स्पोरोजोन और सिलिएटेड प्रोटोजोन, ठीक है जी। न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन था? ये मिक्सोट्रॉपिक है। मिक्सोट्रॉपिक में दो न्यूट्रिशन आते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हिटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में वही दोबारा क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और इग्लिनॉइड्स, ठीक है जी। हिटेरोट्रॉपिक में कौन कौन से थे? होलोजोइक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक था और स्पोरोट्रॉप्स था। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? होलोजोइक में, होलोजोइक ह्यूमंस के अंदर भी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब क्या है? सॉलिड मटेरियल को हम क्या है? च्यूई कर स्मॉल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे में। इनमें क्या क्या प्रोसेस थी? इंजेशन, ठीक है जी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और इजेशन। एक्सक्रीशन क्या है? अलग है। एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल का क्या हो रहा है? बॉडी से बाहर जा रहा है, ठीक है जी। अब प्रोटोजोवा क्या है? प्रोटोजोवा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन दिखा रहा था? यूग्लिना। जबकि प्रोटोजोवा क्या कर रहे हैं? होलोजोइक और पैरासिटिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। स्पेरोट्रॉप्स जो क्या थे? फीड कर रहे थे डेड और डीके ऑर्गेनिज्म पे, वो कौन से थे? स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है जी। देन हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स के बारे में, ये क्या थे? डिप्लोइड थे।
इन्हें क्या कहा जाता है, प्लांट का ज्वेल भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है, छोटे छोटे हैं अगर इसलिए, लेकिन दिखने में इतने सुंदर, अगर ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होते और इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो इनका साइज था बॉडी का वो अच्छा होता जैसे कि और प्लांट्स का एनिमल्स का है, तो ये क्या है डेफिनेटली इनका हम ज्वेल्स के रूप में यूज करते हैं। इनके अंदर क्या है, डाई एटम्स होते हैं, डाई एटम्स होते हैं। और पहले किंगडम प्रोटिस्टा बनने से पहले हम इनको किंगडम किसके अंदर रखते थे, किंगडम प्लांटी के अंदर रखते थे, और पहले इनको गोल्डन ब्राउन एल्गी कहा जाता था। ठीक है जी, ये क्या है, मराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह हो सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं कि पानी की सरफेस पे फ्री में ऐसे ही फ्रीली तैरते रहते हैं, या फिर बिल्कुल नीचे तली पे पाए जाते हैं बेंथिक। ठीक है जी, ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेज, मैंने बताया था कि वो हल्का हल्का सरकते रहते हैं। ठीक है जी, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कंस्टिट्यूट द मेजर फाइटोप्लैंक्टन ऑफ वाटर बॉडी, वाटर बॉडी की वो सबसे बड़ी फाइटोप्लैंक्टन है जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है जी, तो डाई एटम्स के बारे में हमने पढ़ा कि इनकी सेल वॉल क्या होती है, वो जैसे कि सोप साबुनदानी होती है, साबुनदानी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से घिरा होता है, जो परला सिरा वो निचले सिरे को अपने अंदर कवर कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है, वैसे ये होते हैं। ठीक है जी, ऊपरली लेयर को हम कहते हैं एपिडीका और नीचे को हाइपोथीका। सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, सिलीसियस की, सिलीसियस प्रोस्ट्यूल्स की, क्या था यानी कि सेल के अंदर सिलिका था। वही बताया था कि दे डू नॉट डिके इजली, आसानी से मरते नहीं है। ठीक है जी, आसानी से मरते नहीं है, जब भी डाई एटम क्या है, अगर कोई डाई एटम ये डेड हो गया तो ये डिके नहीं होगा, ये घुलेगा नहीं धरती के अंदर, ये क्या होगा वो नीचे तली पे जाके बैठ जाएगा, गिर जाएगा, ऐसे करते करते एक के ऊपर दो करते करते एक लेयर बन जाती है। ठीक है जी, वो लेयर क्या करती है, बॉटम पर जम जाती है, और कुछ टाइम के बाद क्या करती है, फॉर्म कर देती है डायटेमियस अर्थ को, डायटेमियस अर्थ का। और ये डायटेमियस अर्थ क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, आइसोथर्मल है, इसलिए इसका ब्लास्ट फर्नेस के अंदर यूज किया जाता है, भट्टियों के अंदर इसका यूज किया जाता है, जो ईंटें बनती है, जो समुद्र का रेट होता है वो क्या है, यही है डायटेमियस अर्थ है, जिससे क्या है ईंटें बनती है। और ये इतने ज्यादा क्या है, जो आपका नाइट्रोग्लिसरीन है वो क्या, अगर किसी अदर सरफेस के साथ क्या है, अगर अदर सरफेस के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो तभी एक्सप्लोड कर जाता है, फट जाता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन करता है, और ये इतने बड़े एब्जॉर्बेंट है कि उस एक्सप्लोजन को भी अपने अंदर सोख लेते हैं। ठीक है जी, रिप्रोडक्शन शो करते हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल मोड दोनों में, जाइगोट बनाते हैं, फॉर्म्स अ रेजुवेंट सेल, जाइगोट क्या करते हैं, एक रेजुवेंट सेल बनाते हैं, जिसको हमने क्या कहा, ऑक्सोस्पोर, क्या कहा जी, ऑक्सोस्पोर। वही मैंने आपको बता दिया था कि फ्रस्टूल्स कैम बने हुए दो वाल्स के, एपिडिका और हाइपोथीका के। आगे क्या है, इनकी बॉडी सिमेट्री दो थी, बाइलेटरल सिमेट्री थी, अगर क्या है बीच से आ रही थी, बीच से कट लग रहा है तो दो हिस्सों में बटरियों से कहा था बाइलेटरल सिमेट्री, वो किसमें थी, नेविकुलम में, देख सकते हैं ऐसे। और रेडियल में क्या थी, कहीं से भी हम बॉडी को काट सकते हैं। ठीक है जी, वो किसमें थी, मेलोसियारा में, मेलोसियारा में। क्लोरोप्लास्ट या क्रोमो क्रोमेटोफोर्स जो थे वो क्या होंगे, येलो इस ब्राउन कलर से ग्रीनिश ब्राउन हो सकते हैं। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, और फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट था। अब इसका लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया था क्या था, हम यहां से शुरू करते हैं कि दो मोड थे, एक तो वेजिटेटिव यानी एसेक्सुअल मोड और सेकंड सेक्सुअल फेज। तो क्या था, जब एक नई सेल बनी थी, सबसे पहले क्या हुआ था, वेजिटेटिव सेल थी जो कहते हैं सेक्सुअली, सेल क्या हुई, माइटोटिकली डिवाइड हो गई, फिर क्या हुआ, माइटोसिस हुई, माइटोसिस में सेल साइज रिडक्शन आ गया। ठीक है जी, सेल साइज रिडक्शन, एक टाइम पे आके क्या हुआ, सेल का साइज रिडक्शन होना रुक गया, रिड्यूस होने लग गया, तो क्या आया, सेक्सुलेशन साइज थ्रेशोल्ड, यहां पे सेल का साइज घटने लग गया, तो क्या हुआ, यहां पे क्या आ गया, होल्ड आ गया कि भैया रुको, आपको और सेल को नहीं घटाना है। सेल नहीं घटाई गई तब तक जब तक क्या हुआ, एनवायरमेंटल क्योर नहीं मिला उसको, उसको वो एनवायरमेंट नहीं मिला जिसके अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होगी। वो एनवायरमेंटल कोर मिल गया तो क्या हुआ, एग बने और म्योसिस हुई, म्योसिस में एग और स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई, ये दोनों ने मिलकर क्या है, सेक्सुअल फेज शुरू हो गया है, सिनगैमी की, सिनगैमी के बाद क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। रेजुवेंट सेल ने क्या था, जाइगोट ने क्या करी थी, रेजुवेंट सेल बनाई थी, जिससे क्या बना था, ऑक्सोस्पोर, ऑक्सोस्पोर बन गया, एक्सपेंड हो गया, और उसने क्या किया, ऑक्सोस्पोर के अंदर क्या आ गई, एक नई सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई, जिससे क्या हुआ, एक नया सेल बना। ठीक है जी, अब इसके यूजेस वही थे, मैंने बताया था एब्जॉर्बेंट है, नाइट्रोग्लिसरीन को क्या अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण क्या है वो एक्सप्लोजिव, फट नहीं पाता,
जो मोल्स है, शुगर के अंदर मोल्स है, जो उसको छाना जाता है उसकी फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। पेंट को क्या है, पेंट के गाढ़ापन को कम करते हैं जिससे वो आसानी से फैल जाता है, और इसकी क्या है, इसके ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देता है। इनर टेक्सटेंडर है इन पेंट में, इंसुलेटर है किसमें, बॉयलर में और ब्लास्ट फर्नर में, वही बताया था मैंने। जो रेत है वो क्या है, ये इतनी आइसोथर्मल है कि जो रेत है जो समुद्र की, उससे हम ईंटें बनाती हैं जिससे इस पे कोई असर नहीं होता। प्लस जो आपके टूथपेस्ट है उसके अंदर भी ये डाले जाते हैं जिसके कारण आपके दांत क्या रहते हैं, सफेद रहते हैं। ठीक है जी, तो इससे क्वेश्चन क्या आता है, मेनली यही आता है कि क्या नेचर होता है सेल वॉल का, डाई एटम्स का, वही जो मैंने बताया था कि जो सेल वॉल है डाई एटम्स की वो सिलिका की बनी हुई है। इनकी सेल को हम क्या कहते हैं, जो बनी है फ्रस्ट्यूल्स, इसके अंदर क्या दो ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं एक दूसरे में जो फिट होती है, जैसे कि साबुन दानी होती है। जब ये क्या है डाई एटम्स डाई हो जाते हैं तो जो इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट थी वो क्या है डिपोजिटेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ डायटेमियस अर्थ। ठीक है जी, देन हमने पढ़ा डेस्टमीट के बारे में। डेस्टमीट क्या है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे है। देखिए जी कितना इंपॉर्टेंट है, ग्रीन एल्गे है यूनिसेलुलर, इनमें से कुछ सिमिलर है स्पाइरोगाइरा के इन टर्म्स ऑफ किस टर्म में, इनके अंदर भी लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कंजुगेशन के थ्रू। ठीक है जी, आपका क्या है डेस्टमीट है, अक्कर होते हैं। ये कहां पर मिलते हैं, ये मिलते हैं फ्रेश वाटर में, साफ पानी में, और इसीलिए इनको क्या है गंदे पानी का सूचक भी माना जाता है। जहां भी पानी में गंदगी आ जाएगी, डस्ट आ जाएगा, वहां पर डस्टमिट नहीं पाए जाएंगे, इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं इंडिकेटर भी रखते हैं। इंडिकेटर किसके, पोल्यूटेड वाटर के। ठीक है जी, अनपोल्यूटेड वाटर के इंडिकेटर है कि जहां साफ पानी होगा वहां पर ये पाए जाएंगे। देन हमने पढ़े थे डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट भी क्या थे, यूनिसेलुलर थे और सेलुलोइसिक सेल वॉल थी, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज था जो क्या डिवाइड होता है दो प्लेट में। देखो एक प्लेट ये ऊपर वाली, एक नीचे वाली, जिसके अंदर दो फ्लैजिला, एक फ्लैजिला तो क्या अंदर है। ठीक है जी, और दूसरा क्या है लोकोमोशन में हेल्प करता है, वही बात बताई गई है। वन लाइज इन द लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन, ये रहा सीधा, विच हैंग आउट जो बाहर लटकता है, और दूसरा क्या है ट्रांसवर्सली इन द फ्यूरो सेल प्लेट्स के बीच में, फ्यूरो में है स्मॉल। ठीक है जी, ये कैसे है फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी नोन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है। अब इनमें क्या था ग्नाइकोलेक्स था, ग्नाइकोलेक्स क्या था, आपने देखा होगा समुद्र का पानी लाल हो जाता है, उसमें खून नहीं गिरता कोई, ग्नाइकोलेक्स क्या करता है उसको रेड कर देता है। ये क्या करता है टॉक्सिन छोड़ता है जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन, और ये सेक्सीटॉक्सिन क्या करता है मछलियों की मृत्यु कर देता है, और अगर हायर अमाउंट में ह्यूमन भी इसको खा लेते ये उनको भी मार देता है। ठीक है जी, क्या है ये पीएसपी है, पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग करता है, यानी क्या करता है फिशेज को क्या करता है उनके सेल्स को पैरालाइजिस कर देता है। ठीक है जी, इनमें से कुछ क्या है बायोल्यूमिनेंस भी शो करते हैं, यानी रातों को आपने देखा समुद्र के किनारे चमक रही होती है चीजें। ठीक है जी, एग्जांपल क्या है नोटिकुला। ठीक है जी, क्या करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट के कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि मेंबर जैसे कि नोटिकुला बायोल्यूमिनेंस भी शो करते हैं, इन द टाइम ऑफ नाइट दे स्पार्क्स आउट, ये चमकते हैं। देन हमने पढ़ा था इग्लुनोइड्स, इग्लुनोइड्स कहां पे रहते हैं फ्रेश वाटर में, फ्लैजिला होता है और ये क्या है मोटाइल होते हैं चलते फिरते हैं। सेल वॉल की जगह इनके अंदर क्या है प्रोटीन की लिच लेयर होती है, रिच लेयर होती है, जिसको हमने क्या कहा था पहली सेल, मैंने आपको बताया था कि आउटर एयर कवरिंग होगी किसकी, सेल की हो सकती है, सेलुलोज वॉल की हो सकती है, पेलिकल की हो सकती है। तो ग्लीना में क्या है पेलिकल की एक आउटर लेयर कवरिंग है सेल वॉल की जगह, जो क्या है प्रोटीन की रिच है, जिससे की कारण क्या है इसकी बॉडी क्या रहती है फ्लेक्सिबल। इसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। देखो एक फ्लैजिला तो ये रहा अंदर, ये वाला शॉर्ट फ्लैजिला, और एक फ्लैजिला ये रहा बड़ा। ठीक है जी, इसके अंदर क्या था एक लाइट स्टिग्मा था, पिगमेंट स्पोटा स्टिग्मा, जो स्टिग्मा क्या करता है ये स्टिग्मा क्या करता है, ये स्टिग्मा क्या है लाइट से फोटो सेंसिटिव है, लाइट को सेंस करता है कि कहां से लाइट आ रही है। तो जहां से ये लाइट को सेंस करेगा, मान लीजिए कहीं से लाइट दिख गई ग्लीना को, इसे सेंस कर ली तो ग्लीना क्या है उस साइड मूव करेगा और क्या करेगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना बनाएगा। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्या है यूकैरियोटिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है जी, अंदर क्या है इसको, अंदर क्या है अंदर, अंदर पाइरानोइड, पाइरानोइड के बाहर क्या थी प्रोटीन रिच है सब्सटेंस है पाइरानोइड, पाइरानोइड के बाहर क्या एक लेयर है, ये लेयर मान लीजिए लेयर किसकी बनी है स्टार्च की, किसकी बनी है स्टार्च की।
ठीक है जी। सुगर केन में तो क्या होता है, स्टार्च होता है, और एनिमल्स में जो हायर किंगडम उनमें क्या होगा, सेलुलोज क्या फॉर्मेशन करेगा फूड की, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है जी, और किस थ्रू ट्रेवल करेगा बॉडी में विद द हेल्प ऑफ फोइलम, कैसे सुक्रोज के रूप में फोइलम उसको ट्रांसफर करेगा लीफ से बॉडी के अदर पार्ट्स में, लेकिन इसके अंदर स्टार्च यही होता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक में अपना खाना बनाते हैं। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वही ग्लीनिया में क्या था, मिक्सोट्रॉपिक था, ऑटोट्रॉपिक होता है जब लाइट होती है, और हीटरोट्रॉपिक होता है जब लाइट नहीं होती। कई बार ये तली में लेट जाते हैं, वहां पे लाइट नहीं है, तो ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, सेक्सुअल तो क्या है इसमें अब तक मिली नहीं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, बाइनरी फिजन होती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है जी। सेकंड क्या है, कैसे, मान लीजिए एक युगलीना है, जब इसको क्या है हम ऊपर से बीच से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल कट आ जाता है, बॉडी डो में डिवाइड हो जाएगी, एक युगलीना ये बन गया एक ये। कई बार क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशन में तो इसने डिवाइड कर लिया, पर अगर इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो सेल क्या है ट्रांसफर हो जाएंगी ठीक वॉल के अंदर, मोटी वॉल के अंदर सेल क्या है ठीक वॉल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी, रेस्टिंग स्ट्रक्चर लगा लेंगी, सेल्स एक के ऊपर एक पर रखी चली जाएंगी, इकट्ठी होती चली जाएंगी, जो क्या बनेंगी साइट्स, वो क्या है काइट्स बना लेंगी, और इस काइट्स को हम क्या कहते हैं, पेलमिला स्टेज भी कहते हैं। देन आज हमने करा स्लाइम मोड, स्लाइम मोड क्या थे, दे आर स्पेरोफाइटिक प्रोटिस्ट थे, और फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये क्या कर रहे थे, फॉर्म एग्रीगेशन प्लास्मोडियम बना रहे थे, ठीक है जी। जो पत्तियों पे हमने क्या देखा है, जो सूखी पत्तियों पीली पीली क्या स्लाइम वाला एक स्ट्रक्चर होता है चिपचिपा, वो क्या था प्लास्मोडियम, ये फीड करते हैं ट्विग्स पे लीव्स पे, ठीक है जी। इसके रास्ते में जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर आएगा या जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा उसको ये फीड करते चले जाएंगे, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में प्लास्मोडियम क्या कर रहा है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, और क्या कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडीज बना रहा है जिनके ऊपर क्या थी, क्या प्रेजेंट है स्पोर्स, जो किसका फंक्शन है स्पोरेन, सॉरी फंजाई का, और उस प्रोसेस को जब फ्रूटिंग बॉडी क्या करती है, अपने टिप पर स्पोर्स बना लेती है, व्हेन द फ्रूटिंग बॉडी बियर स्पोर्स एट देयर टिप, देन प्रोसेस इज नोन एज स्पोरेंजियम। स्पोर्स की सेल किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज की। इसके मेंबर कैसे शो कर रहे थे, तीन फीचर, प्लांट्स की तरह भी फीचर शो कर रहे थे, क्योंकि स्पोर्स के अंदर क्या थी, सेल वॉल थी। मोड ऑफ एनिमल्स की तरह क्या था, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सोमैटिक ऑर्गेनाइजेशन थी। फंजाई की तरह मैंने अभी बता दिया था, स्पोरेंजियम से बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा, कि फंजाई में क्या होता है बॉडी फॉर्मेशन होती है फ्रूटिंग बॉडी की, जिसके टिप पे क्या होते हैं स्पोर्स, और न्यूट्रिशन भी इनका सेम है स्पेरोफाइटिक। देन हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कैसे थे, यूनिसेलुलर थे और सेल वॉल नहीं थी, ये क्या थे पैरासाइटिक हो सकते थे, फ्री लिविंग थे या फिर सिम्बायोटिक थे। प्रोटोजोआ के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन की, सार्कोडीना में क्या था सूडोपोडिया आते हैं, अमीबा फ्री लिविंग है, जबकि एंटा अमीबा क्या कोज कर रहा था, अमीबियोसिस, जिनके अंदर फ्लैजिल होगी, जिसके एग्जाम्पल वो कौन से थे, फ्लैजिलेटा प्रोटोजोआंस, एग्जाम्पल ट्राइपोनोसोमा, जो क्या कोज करता है स्लीपिंग सिकनेस। सिलिएटेड कौन से होंगे, जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा, एग्जाम्पल पैरामीशियम। स्पोरोजोआ का कोई स्ट्रक्चर नहीं है लोकोमोशन के लिए, ये क्या है टॉक्सिक या जीनस प्रोटोजोआंस है, जो किसके अंदर ब्लड के अंदर ब्लड के साथ सर्कुलेट करते हैं, जैसे कि प्लास्मोडियम जो कोज कर रहा है मलेरिया। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, प्लास्मोडियम वाइबैक्स, प्लास्मोडियम मलेरिया, प्लास्मोडियम ओवल और प्लास्मोडियम फेल्सी पैरम, चार प्रकार के प्लास्मोडियम और चार इसके पैथोजेंस हैं। देन हमने क्या था, कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोन्स देखे थे, जिनमें लेसीमेनिया क्या कोज, लेसीमेनिया डोनोवानी कोज कर रहा था काला आजर, ट्राइपोनोसोमा कोज कर रहा था स्लीपिंग सिकनेस, गियार्डिया कोज कर रहा था गियार्डियासिस, एक डायरल डिसीज है, ट्राइकोनोमाइनस वेजिनल्स क्या कोज कर रहा है ट्राइकोमोनियासिस, प्लास्मोडियम कोज कर रहा है मलेरिया, एंटामीबा कोज कर रहा था अमीबियासिस या अमेबिक डाइसेंट्री, ठीक है जी। तो ये थी एक शॉर्ट समरी किसकी, किंगडम प्रोटिस्टा की। आई होप सबको सब समझ आ गया होगा, कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं अ वेरी यूनिक, जिसने क्या है आज विटकर से पहले सभी साइंटिस्ट के सिर को हिला दिया था, किंगडम फंगाई फंजाई। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।